राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने बिगाड़ा विपक्ष का खेल, आखिर कौन जीतेगा यूपी की 10वीं राज्यसभा सीट। वैसे तो करीब 26 राज्यसभा सीटों के लिए देश के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव पर है। यहां सूबे की 10 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी की ओर से 9वां उम्मीदवार उतारे जाने से यूपी में इस बार का राज्यसभा चुनाव दांव पेच वाला साबित होने जा रहा है। दरअसल यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की 8 और एसपी की 1 सीट पर जीत तय है, लेकिन 9वीं सीट के लिए जहां बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार कर विपक्ष की राहें मुश्किल कर दी है। बावजूद इसके तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इससे पहले जेल में बंद एसपी के हरिओम यादव और बीएसपी के मुख्तार अंसारी को कोर्ट से मतदान की अनुमति नहीं मिलने से विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। फिलहाल जो हालात हैं उसमें क्रॉस वोटिंग तय है। इस बीच बीएसपी विधायक अनिल सिंह के क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आने से विपक्ष का खेल और बिगड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, हरिओम यादव को वोटिंग की अनुमति नहीं मिलने और नितिन अग्रवाल के पाला बदलने से एसपी के पास 45 विधायक बचे हैं। मुख्तार अंसारी के जेल में होने और अनिल सिंह के क्रॉस वोटिंग से बीएसपी विधायकों की संख्या भी 17 रह गई है। विपक्ष ने कांग्रेस के साथ 2 निर्दलीय और आरएलडी के 1 विधायक के समर्थन का दावा किया है। इस लिहाज से विपक्ष के 2 उम्मीदवारों के लिए कुल 72 वोट हैं, जबकि दोनों उम्मीदवार की जीत के लिए कम से कम 74 वोटों की दरकार होगी। लेकिन विपक्ष के 1 उम्मीदवार की जीत के बाद दूसरे प्रत्याशी के पास 35 वोट ही बचेंगे। वहीं बीजेपी के पास गठबंधन सहित 28 अतिरिक्त वोट हैं। 2 वोट बागियों के, 1 निर्दलीय और निषाद पार्टी का 1 वोट मिलाकर संख्या 32 पहुंचती है। ऐसे में कोटा पूरा करने के लिए दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती होगी, जिसमें बीजेपी का पलड़ा भारी होने के आसार हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।